नमस्कार। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के आज अंतिम दिन पर आयोजित पत्रकार वार्ता में आप सभी मीडियाकर्मी बंधु भगिनियों का पुनः स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारियों का मैं परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं श्री नरेंद्र कुमार जी, आप अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। श्री आलोक कुमार जी, आप भी अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। मंच पर उपस्थित हैं श्री सुनील जी अंबेकर, आप अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। आज की पत्रकार वार्ता को जो संबोधित करने वाले हैं वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह मान्य दत्तात्रेय जी होसबले, मान्य सर कार्यवाह दत्तात्रेय जी, आप मूलतः कर्नाटक के शिवमोगा जिले के निवासी हैं। आप 1968 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। आपने 1978 से संघ के प्रचारक के नाते सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक संगठन मंत्री का दायित्व निभाया। आप 2003 से 2009 तक संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख रहे एवं 2009 से 2021 तक सह सरकार्यवाह का आपने दायित्व निभाया। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह जी हैं। मैं माननीय सरकार्यवाह जी से अनुरोध करूंगा कि आप उपस्थित मीडिया बंधु भगिनियों को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। आप पिछले तीन दिन से यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चल रही है, आज इसका अंतिम दिवस है। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से मीडिया के बंधु भगिनी इस कार्य को नजदीक से देख भी रहे हैं। आप इस कार्य को देश भर में, दुनिया में इसके बारे में सूचना जानकारी देने का एक सहयोग भी आप कर रहे हैं, आप सबको। इसलिए विशेष रूप से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। पत्रकार बंधु भगिनियों से समय समय पर मिलना होता ही है, इसलिए संघ के बारे में आप लोग तो जानते भी हैं, खोजते भी हैं। आज मुझे विशेष ऐसे नहीं है, पिछले तीन चार दिन से संघ के प्रचार विभाग के हमारे प्रमुख सहयोगी बंधु लोगों ने आपके सम्मुख सभी विचार रखे हैं। हम आपके शहर में आए हैं तो स्वाभाविक है, मीडिया के साथ थोड़ा समय बिताने से आपके मन में भी कुछ नहीं कह रहता है, हम भी अपने बारे में कुछ कहें ये काम भी हो जाता है। गुजरात के लोगों ने, हमारे स्वयंसेवकों ने, समाज के बंधुओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को दशकों से यहाँ पूर्ण सहयोग सहभाग करते हुए इस कार्य को एक मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए गुजरात के समाज को भी संघ की ओर से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह कार्य समाज का है। यहाँ के जैसे हम देख रहे हैं, इस परिसर के लोगों ने हो समय समय पर गुजरात के संघ प्रेमी बंधुओं ने इस कार्य को अपने ही कार्य ऐसे समझकर उन्होंने सहयोग भी दिया है।
प्रतिनिधि सभा बैठक एक महत्व के होती है क्योंकि बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता देश भर से, जैसे यहाँ कन्याकुमारी के कार्यकर्ता भी हैं, मणिपुर के भी हैं, जम्मू कश्मीर के भी हैं, इतने देश के हर कोने से विभाग और ऊपर के स्तर के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। फिर भी हमारी पूरी संख्या नहीं हुई क्योंकि कोरोना के संदर्भ का ध्यान में रखकर कुछ हमने कटौती की। पिछले दो वर्षों में हमारी इस महत्वपूर्ण बैठक में बहुत कम संख्या में हमने रिवाजी चीजों को पूरा किए, जैसे हमारा निर्वाचन भी हुआ तो पूरे सभी लोग नहीं थे, तो इसलिए तो इस बार के बैठक में अच्छे संख्या में यहाँ लगभग 1250 संख्या उपस्थिति, अंतिम संख्या लग 1252 तक संख्या होगी। तो संघ के शताब्दी वर्ष नजदीक आ रहा है। हम हर 3 वर्ष में एक बार संघ कार्य के विस्तार, एक है भौगोलिक विस्तार, कार्य के आयामों का विस्तार, इन विषयों के एक योजना बनाते हैं, उस लक्ष्य को लेकर आगे चलते हैं, उसकी समीक्षा हर वर्ष 2 बार करते ही हैं। एक बार सामान्यतः नवरात्रि और दीपावली के बीच होने वाले कार्यकारी मंडल बैठक में और एक बार प्रतिनिधि सभा में। तो अभी हमारे सहयोगी डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने परसों आपके सम्मुख अपने संघ कार्य के विस्तार के बारे में काफी बातें बताई हैं। अभी देश भर में जो मंडल है उनमें से 50% मंडलों में संघ के कार्य पहुंचा है, दैनिक शाखा या साप्ताहिक मिलन के। तो हम इसको आने वाले 2 साल में पूरा करना चाहते हैं, ऐसे एक लक्ष्य बनाया है, इसके लिए योजना भी बनाई है, इसके लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी निकल रहे हैं। संघ कार्य को पूरा करना बस्ती में भी, शहरी क्षेत्र में बस्तियां हैं, तो इन बस्तियों में सामान्यतः की भाषा में वार्ड जो कहते हैं, 10,000 संख्या के, जनसंख्या के 8,000 से 12,000 मान सकते हैं, ऐसी जनसंख्या की एक बस्ती, ऐसे हमने जो विचार किया उसमें भी अभी लगभग 45-50% बस्तियों में संघ की शाखाएं या साप्ताहिक मिलन चलते हैं। आने वाले और 2 वर्ष इस कार्यकाल के है, अभी 1 वर्ष समाप्त हुआ, हम इसको पूरा करना चाहते हैं। संघ कार्य के पूरा करने का हमारा उद्देश्य केवल संख्यात्मक दृष्टि से संघ के शाखा इतनी संख्या हो गई, केवल उस गर्व की बात साधना करने के लिए अपने सारा कार्य नहीं है। संघ के स्वयंसेवक हर बस्ती में, हर मंडल में, हर गांव में है, यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना को आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति है। समाज के संकट में संवेदना से समाज के सब लोगों को जोड़ने वाला व्यक्ति वो होता है। इसलिए संघ के अपने संगठन के ताकत बढ़ाना यह हमारा उद्देश्य नहीं है, समाज के आंतरिक शक्ति बढ़नी चाहिए, सामाजिक एकता, समरसता, सामाजिक संगठन भाव यह बढ़ना है, इसलिए तो संघ की शाखा है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो समाज ने इस विषय को बहुत समझकर और उदार मन से, सहयोग भावना से न केवल संघ को स्वागत किया है, अपना कार्य है इसे इन्होंने उस भावना से इसको स्वीकार किया है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में संघ के कार्यक्रमों में आने वाले समाज बंधु भगिनी या पूजनीय सरसंघ चालक जी के प्रवास में आने वाले, उनके संपर्क करने वाले लोग, ये सब लोग संघ के कार्य को न केवल समर्थन देते हैं, बहुत अच्छा है, प्रशंसा करते, इतना ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं बताइए, प्रत्यक्ष अपने समय, शक्ति, संसाधन
इसको देखकर इस कार्य के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, इसलिए संघ के स्वयंसेवक का जाकर मिलना एक है, समाज के लोग भी आकर मिलना चाहते हैं। जॉइन आरएसएस करके हमने एक प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया कुछ वर्ष पूर्व, लाखों लोग स्वयं होकर संघ के बारे में जानना और संघ के साथ जुड़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर अपने नाम दर्ज करके बताते हैं। यह उनके तरफ से होने वाला संपर्क है। कोरोना आया तो उस समय सेवा कार्य के बहुत सारे संघ के कार्यालयों में संघ कार्यकर्ताओं के पास समाज के लोग आए, देखिए इस समय कुछ ना कुछ सेवा कार्य आप करते हैं हमको मालूम है, हम कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, हमारी सहायता आपको हम देना चाहते हैं, आप करिए। तो इसलिए संघ के ऊपर समाज के यह जो विश्वास है इससे समाज का कार्य आगे बढ़ता है, यह हमारा अनुभव है। स्वयंसेवक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज कार्य कर रहे हैं, देश की सुरक्षा हो, देश के समरसता के विषय हो, भौतिक जीवन की उन्नति हो, सामान्य पिछड़े जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, वहां हो, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य में स्वयंसेवक शाखा के कार्य के साथ साथ जुड़े हैं। इसे समाज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के सहयोग और इन्वॉल्वमेंट के साथ स्वयंसेवकों के पहल से बहुत ही परिणामकारी ढंग से आगे बढ़ाया है। कई उदाहरण है, मैं उदाहरणों में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें ज्यादा चला जाता है, लेकिन हमने जो विषय लिया ग्राम विकास के, अब लगभग 400 गांव को हम प्रभात गांव कहते हैं, जहां कुछ परिवर्तन दिखते हैं। हम हर जिले के एक गांव को आदर्श गांव बनाने के संघ की योजना है। ऐसे ही हमने ग्राम विकास में कृषि के साथ साथ ग्राम के स्वावलंबिता, वहां के शिक्षा, स्वास्थ्य, समरसता, सामाजिक सुरक्षा, इन बातों को वहां विकसित करके विलेज कम्युनिटी शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ, मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज वन फैमिली। इस दिशा में ग्राम विकास के काम में हम आगे बढ़े हैं। ऐसे ही पर्यावरण के संरक्षण है, सामाजिक समरसता के हैं, गौ सेवा के विषय हैं, परिवार प्रबोधन, फैमिली वैल्यूज, फैमिली लाइफ, अगली पीढ़ी में संस्कार मूल्य वर्धन ये करने का काम भी है, पड़ोसी धर्म को भी निभाना है। प्रत्येक घर के अंदर देश समाज के लिए कुछ करने के भाव होना चाहिए। केवल हम अपने घर को कैसे तरक्की करें, हम ज्यादा कमाएं, चैन से जीवन चलाएं, बिल्कुल वो करना चाहिए, लेकिन समाज के ऋण भी है। प्रत्येक घर में इस सामाजिक ऋण के बारे में जागृति होनी चाहिए। मेरा व्यवसाय, मेरी पढ़ाई, हर चीज में मुझे जीवन अच्छा चलाने के साथ साथ समाज के लिए मैं इससे क्या लाभ है, ऐसे एक परिवार प्रबोधन का कार्य हमने आगे बढ़ाया। इन सारे सामाजिक परिवर्तन के आयामों में संघ के स्वयंसेवक जहां वो नहीं है पहल करते हैं, जहां कुछ समाज के लोग भी इस प्रकार के काम में लगे हैं, गौ सेवा है, परिवार प्रबोधन है, समरसता के, पर्यावरण के, ग्राम विकास के हैं, इन सारे विषयों में समाज में बहुत सारे सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, व्यक्ति समूह इस प्रकार के काम में लगे हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि रेस में हम आगे रहें, हम चाहते हैं कि समाज के सभी लोग मिलकर हम करें, जहां जहां तालमेल होता है, समन्वय होता है, नेटवर्किंग करें, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करें, इसकी आवश्यकता है। इसलिए हमने अपने जो इस प्रकार के कार्य में, ये केवल एक संगठन के रचना में नहीं कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग इट, इवॉल्विंग दिस इंटू अ सोशल मूवमेंट, नॉट एन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसलिए इस कार्य को कई बार काम दिखता है लेकिन पीछे कौन है ये दिखता नहीं है,
वही होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। समाज अपने पैरों पर इन चीजों को करना चाहिए। नागरिक बोध का एक विषय है, सिविक सेंस के। अपने देश में स्वच्छता के बारे में पिछले 5 वर्षों में जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने एक विषय को सामने रखा तो देश ने उसको अपनाया। ऐसे नागरिक बोध, सिविक सेंस, इस विषय के बारे में हमारे देश में थोड़ा से कमी दिखाई देती है, उसको ठीक करना चाहिए। सबका प्रयत्न है ऐसे समाज परिवर्तन के विभिन्न कामों को सज्जन शक्ति को जोड़कर करने के एक विचार जो चलता है, उस विषय के बारे में यहाँ हमने चर्चा भी की। ऐसे विषयों में लोगों को जोड़ना भी है, जो कर रहे हैं उनके साथ हम जुड़े, इसकी समीक्षा हमने की है। आगामी दिनों में इस विषय को और मजबूत करने के लिए कुछ योजना बनाई, इसके लिए कार्यकर्ता तैयार करना, इसके लिए भी कई लोग समय देकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। मैं पिछले वर्ष एक विषय बताया था जब मैं इस दायित्व पर आया बंगलोर में, उस समय भारत के बारे में, भारत के विषय के बारे में, भारत के हिंदू समाज के बारे में, भारत के इतिहास, संस्कृति, यहाँ के जीवन पद्धति, इसके बारे में एक सही चित्र को, सही तस्वीर को समाज के सम्मुख रखना चाहिए। देश और विदेशों में भारत के विषयों में बहुत सारे गलत फहमियां फैलाने का, अज्ञान से अथवा जानबूझकर कुछ योजना षड्यंत्र से, अंग्रेजों के जमाने से जो चला हुआ था वो पिछले इतने वर्षों में भी कुछ चला था। इस वैचारिक विमर्श को, नैरेटिव को बदलकर भारत बोध के एक नए विमर्श, जो सही विमर्श है, जो तथ्य के आधार पर है, उस नैरेटिव ऑफ भारत, ए ग्रैंड नैरेटिव ऑफ भारत, इसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए समाज में बहुत सारे लोग, स्वयंसेवक केवल नहीं, बाकी लोग भी इस विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, शोध किए हैं, ग्रंथ पुस्तक लिखे हैं, देश विदेश में उनके विचार प्रकाशित होते हैं। ऐसे एक बहुत बड़ा तबका है, जैसे मैंने कहा, उसके नेटवर्किंग, कोलैबोरेटिव एफर्ट इसमें भी हम करेंगे तो भारत के नैरेटिव को, वैचारिक विमर्श को मजबूत करने का, उसको प्रभावी बनाने का एक कार्य हम आने वाले 3-4 वर्षों में विशेष प्रयास करते हुए इसको करने का निर्णय किया था, उसको, उसके बारे में भी यहाँ विचार किए, उस दृष्टि से एक विशेष उद्बोधन भी यहाँ सबके सामने रखा गया। वर्तमान वर्ष स्वाधीनता के अमृत महोत्सव है, 75 वर्षों में जो तरक्की किए हैं, जितना करना चाहिए थे नहीं किए, इसके विमर्श, इसके विश्लेषण ये होगा ही, होना भी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन 150 वर्ष अंग्रेजों के खिलाफ, उससे पहले भी विदेशी आक्रांता जब आए तब से हमारे यहाँ एक आंदोलन, एक संघर्ष हुआ, वो सर्वंकष था, सर्वव्यापी था, समाज के हर तबके के लोगों ने किया, देश के हर कोने से उसके बारे में आवाज उठी, लेकिन सभी चीजें वो दस्तावेज में खोजने पर मिलते हैं, लोगों के पास जाकर बात करने से सत्य, लेकिन कई चीजें दबी गई, कई चीजें सामने नहीं आई। इसलिए यहाँ के वैज्ञानिक भी, यहाँ के उद्योगपति भी, यहाँ के सर्वसामान्य व्यक्ति भी, सबने स्वतंत्रता आंदोलन में किसी न किसी प्रकार से, पुरुष महिला सब, उनके योगदान है। और उनके योगदान का केवल अंग्रेजों को या विदेशियों को यहाँ से भगाने तक सीमित नहीं था, भारत के बारे में उनके एक चित्र था, एक सपने उनके सामने, द एंटायर फ्रीडम मूवमेंट ऑफ भारत वॉज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ ए ग्रैंड ड्रीम ऑफ प्रॉस्परस भारत, यूनाइटेड भारत। भारत के स्वतंत्रता सेनानी के महानायक नायिका जितने भी थे, उन सब ने भारत के बारे में, उनके एक चित्र भी उन्होंने सामने रखा। क्या उस चित्र को पूरा करना, उसको
आवश्यक वर्ण रंग देना, उसको एक सजीव चित्र के नाते देना, यह कार्य वर्तमान पीढ़ी को करनी चाहिए। इस दृष्टि से हमने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को देखते हैं, उसके लिए कार्यक्रम भी लिए। कोरोना के सेवा कार्य के बारे में आपके सम्मुख पहले विषय आए ही है। दो क्षेत्रों में पुनर्वास के एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक है शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि बहुत समय तक विद्यालय बंद रहने के कारण ऑनलाइन क्लासेस तो चले, लेकिन ऑनलाइन क्लास अपनी सीमा है, उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल उपयोग करना चाहिए, किए भी है, उससे जितना लाभ हुआ जरूर हुआ। लेकिन एक प्रत्यक्ष कक्षा में एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सामने विषय रखना, बातचीत करना, संवाद होना, ये जो मानवीय संबंध उससे आता है वो ऑनलाइन से नहीं हो सकता। और विद्यालय के परिसरों में विद्यार्थी जाकर दिन भर वहां रहने से उनके व्यक्तित्व के विकास जो होता है वो घर में बैठकर स्क्रीन देखने से नहीं होता। तो इसलिए वो जो छूट गया उसको कैसे हम भरपाई करें। और बहुत सारे लोगों को अभी भी वो जो 2 वर्ष अभी हुआ है उसमें कई विद्यार्थी अभी आर्थिक कारणों से, अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित हो गए। उनके लिए शिक्षा के कई विषयों के लेकर ट्यूशन क्लासेस, फ्री क्लासेस, तरह तरह के विषयों को लेने का कार्य हम कर रहे हैं। ऐसे रोजगार की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता देश में है। कोरोना के कारण कुछ आर्थिक संकट तो आया ही है, सरकार ने इसके बारे में प्रयत्न किया, समाज के भी प्रयत्न हुए। इसी के संदर्भ में हमने एक प्रस्ताव भी पारित किया यहाँ, उस प्रस्ताव के प्रति भी आप लोग उनको दे ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत की क्षमता बहुत है, इसके बारे में सैकड़ों पुस्तकें, सैकड़ों शोध कार्य हुए हैं। भारत के प्राकृतिक संसाधन, भारत के मानव संसाधन, भारत के हमारे अनुभव, इन सब से हम अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के, आत्मनिर्भर बनाने के हमारे पोटेंशियल है। इस क्षमता को सदुपयोग करने के लिए सरकार की योजना एक तरफ होनी चाहिए, आवश्यक है। समाज के भी कर्मण्यता बढ़नी चाहिए, समाज के प्रतिभा, समाज के नवोन्मेष शालिनी प्रयत्न या होने से कार्य आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में अपने यहाँ कुटीर उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है, हस्तकला है, बहुत सारे क्षेत्रों में एग्रो बेस्डों के आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होने के लिए और रोजगार लोगों को मिलने के लिए आजीविका चाहिए। रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है, प्रकृति के संसाधन को उपयोग करते हुए अपने आजीविका चलाते हुए एक व्यक्ति धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म को भी निभाना चाहिए। प्रकृति में रहने वाले व्यक्ति केवल अपने पेट पूजा करते हुए ऐसे नहीं है, संस्कृति का विकास होनी चाहिए, सभ्यता का विकास होनी चाहिए, साथ रहने चाहिए। तो ये सब करना है तो अर्थ का जो है, हमारे यहाँ धर्मस्य मूलम अर्थम ऐसे कहा है, जो इटर्नल वैल्यू को स्थापना करनी है वो भी अर्थ से होता है। इकोनॉमी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए इन सारे विषयों को देखकर कहेंगे तो एक भारतीय दृष्टि है मॉडल, एक इकोनॉमिक मॉडल के, वो श्रम प्रधान, विकेंद्रीकरण, पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए, कम ऊर्जा बक्षी होनी चाहिए, छोटे उद्योग को महत्व मिलना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने नहीं तो पलायन होता है, और बड़े संख्या में पलायन होने से क्या संकट आता है वो भी हमने पिछले वर्ष देखा है। मजबूरी से लोग अपने घर बार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों मील दूर जाकर रहते हैं, दूसरे पर नहीं रहना, इसे नहीं बड़ा देश है रहना चाहिए, लेकिन किस परिस्थिति में रहना पड़ता है, मजबूरी क्या क्या होती है, इन सारे चीजों को देखने से एक स्वावलंबी भारत को बनाने वाले स्वदेशी स्वावलंबिता के दृष्टि के
रोजगार के, कार्य संस्कृति के, इकोनॉमिक मॉडल के एक बहुत आग्रह पूर्वक प्रयास होना चाहिए। इसमें अपने देश के शिक्षा संस्थान, यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईआईएम्स, उद्योग जगत, छोटे बड़े उद्योग, सामाजिक नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व, ये सब के मिलकर एक बड़ा प्रयास होने से हम दुनिया में एक श्रेष्ठ संस्कृति के राष्ट्र तो है ही, संपन्न राष्ट्र के नाते भी अपने को खड़ा करने में सफल होंगे। इसलिए एक प्रस्ताव हमने रखा है, समाज को उद्योग सृजन के साथ साथ एक कार्य संस्कृति के और एक भारतीय मॉडल को भी विकसित करने का, और नौजवानों को उनके ऊर्जा, उनके प्रतिभा, उनके शक्ति, उनके सपने, इन सब को पूर्ण अवसर मिलने वाले रोजगार के एक बहुत बड़ा पक्ष है। सरकार की योजना भी उसी को बढ़ावा देने में हो, समाज अपने दृष्टि से करे, संघ के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 1.5-2 साल में अधिक प्रयास किए, पहले तो करते ही थे लेकिन और अधिक प्रयास करने के लिए कुछ किए हैं। ऐसे एक प्रस्ताव भी हमने पारित किया है आपके सम्मुख। मैंने बहुत सारे विषय का फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपको कुछ पूछना है तो हेलो दत्तात्रेय जी, जो एक एनुअल रिपोर्ट हमने रखा है संघ की बैठक में, उसमें ये बताया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो सरकारी मशीनरी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में कट्टरता बढ़ रही है, वो क्या है जरा बताएंगे। मैंने कहा है शायद उसका पिछले 2-4 महीने में जो देश में हुआ है लोगों को मालूम ही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ समाज के कुछ अनुशासन है, तो उसको अभी उदाहरण के लिए हरियाणा में आरती करने के लिए जो आग्रह किया तो सड़कों पर आए तो झगड़े हो गए, नहीं हमारा धार्मिक स्वतंत्र है ऐसे कहने से नहीं होता। या स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए कुछ वहां से नियम बनाए हैं तो हम नहीं करेंगे ऐसे कहने से नहीं होता। धार्मिक स्वतंत्र सभी को है, वो कहां उपयोग करना, कहां अनुशासन करना, ये एक इसके संतुलन बिठाना पड़ता है। ठीक है, सभी को धार्मिक स्वतंत्र संविधान के हाथ में करने से नहीं होगा। इसी दृष्टि से समाज में इसके एक मंथन चला ही है, इसके समाज में शांति से, संतुलन से, एक कोएग्जिस्टेंस से रहना है तो इन सारे विषयों के लिए कौन सी चीज को कहां आग्रह करना। धार्मिक विषयों का आग्रह करने से सामाजिक ताना बाना या सामाजिक अनुशासन जो एक शिक्षा संस्था ने किया, समाज ने किया, उसको भी बना कर रहे हैं। ये सबके लिए है, कोई एक ने किया दूसरे ने के लिए अनुमति देने ऐसे नहीं है, सभी के लिए समान रूप से। एक विशेष समुदाय जो है वो सरकारी मशीनरी में विस्तृत रूप से घुसने की उसकी योजना है, ऐसे हमको कुछ इधर उधर जानकारी मिलती है। मेरे विनती है आप लोग भी खोज करिए, यदि गलती है तो चित कर दीजिए, देखेंगे बाद में है कि नहीं, आप भी देख लीजिए ना। कहिए ये 3 दिन में कौन कौन सी बाबतों पर चर्चा विमर्श हुआ और मैंने बताया जो ग्रामीण इलाके है उसमें संघ किस प्रकार से काम करेगा। तो बताया किसानों के बीच ग्रामीण शहरी क्षेत्र में श्रमिक वर्गों में अपने कार्य को बढ़ाने के लिए हमने उनके साप्ताहिक मिलन, मासिक बैठक के एक करेंगे। ग्राम विकास को तो एक होता ही है, वो तो कार्य मैंने बताया। उसके अतिरिक्त संघ के शाखा कार्य ग्रामीण क्षेत्र में, मैंने बताया 50% मंडलों में आज संघ के शाखा पहुंचे है, इसका अर्थ वो सब ग्रामीण क्षेत्र ही है, नगरीय क्षेत्र नहीं है।
गांव-गांव में संघ के स्वयंसेवक हैं, वहां मैंने पांच विषय भी बताया, सामाजिक समरसता, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, इन विषयों के संदर्भ में वहां के लोगों के लिए एक संगठन भाव, राष्ट्रीयता, इसको वहां उद्दीपित करना चाहिए। इसलिए संघ के कार्य शाखा द्वारा ये सब होता है और स्थानीय लोगों से वहां के सांस्कृतिक मूल्यों को, वहां के एक ताना बाना को बनाए रखना, यह संघ के स्वयंसेवक जहां जहां पहुंचे वो करते हैं। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में किसान, कारीगर, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उस प्रकार के कार्य होना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के कार्य में थोड़ा फर्क होता है क्योंकि नगरीय से जीवन शैली अलग है, तो दोनों को ध्यान में रखकर संघ के कार्य। सर, विनोद बंसल जी ने अयोध्या में कहा है कि बजरंग दल के 275 वॉलंटियर्स को मार्शल आर्ट और जूडो की अलग ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हिंदू समाज पे कोई खतरा आए तो वो पहले से तैयार रहे, क्या कहना चाहते हैं? बजरंग दल से मैं तो संघ ने किया है तो बताऊंगा, योजना होगी वो कही। और लोगों की भूमिका है, हम चुनाव के लिए भूमिका तय नहीं करते, समाज के लिए तय करते हैं। और चुनाव भी एक संवैधानिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है। संघ हमेशा कहता है अत्यधिक लोग वोट देने के लिए सामने आए समाज में। मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में मैंने कहा है, आप जो बताए ना उसमें, एक चुनाव मैंने क्या है, लोकतंत्र को मजबूत कैसे करना, वैचारिक मंथन होना चाहिए, ये सब उसमें कहा है। तो चुनाव भी उसके लिए है, देश के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, लोगों के बारे में एक जागृति लाने के, समाज के बारे में सोचने के, अधिकाधिक लोग भारत के लोकतंत्र के जो चुनाव की पद्धति है विश्व के एक श्रेष्ठ पद्धति, हमको गर्व होना चाहिए। एक स्वयंसेवक भी अपने राष्ट्र धर्म निभाने के लिए अधिकाधिक लोग इसमें सक्रियता से, जिम्मेवारी से, स्वस्थ मनोभाव से सहभागी हो। गुजरात के वापी में सेंट मैरी स्कूल में दो बच्चों ने जय श्री राम कहा तो उनसे वहां पे शिक्षकों ने माफी पत्र लिखाया है, क्या कहना चाहते हैं? तमिलनाडु में लावण्य ने आत्महत्या की, क्यों हुआ आप सब जानते हैं। तो इसलिए मैंने वो कहा, तो आपने वो इसलिए प्रश्न पूछा अनुशासन को, ये जो करते नहीं, इसलिए जय श्री राम करने से ये होता है तो उसको स्वतंत्र नहीं है क्या? जय श्री राम हिंदुस्तान में सिया राम कहना एक अभिवादन की पद्धति है, इस पद्धति को भारत में आने वाले विदेशी लोग भी कहते हैं। तो इस पद्धति को कोई कहता है तो उत्तर करेंगे, तो वहां के समाज के लोग गुजरात में ही कर रहे हैं, तो पालक, उनके अभिभावक, वो सब वहां जाकर पूछे, बात करें। ऐसे इसे इसीलिए काम है, भारत के जो यहाँ के सांस्कृतिक का परंपरा के विरुद्ध यहाँ के कोई चलता है तो उसका समाज सहन नहीं करेगा, स्वाभाविक है। धन्यवाद, आप सभी यहाँ हमारे निमंत्रण पर आए, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, सभी से अनुरोध है कि भोजन लेकर अवश्य जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग आगे भी रहें, ऐसी प्रार्थना है।